हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो फेस्टिवल सीजन चल रहा है, मैंने सोचा कि आपके साथ फेस्टिवल सीजन का लुक जो है वो शेयर किया जाए। तो आज मैं करने वाली हूँ स्मोकी आईज़, ब्लैक स्मोकी आईज़ विद मेकअप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मेकअप। सबसे पहले मैंने यहाँ पर सनस्क्रीन लगाया है। अगर दिन में आप कोई भी फंक्शन अटेंड कर रहे हैं तो सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। कोई भी मेकअप अप्लाई करना है तो पहले सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं, सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद मैं लगा रही हूँ प्राइमर। प्राइमर जो है हमारा मेकअप जो है प्राइमर की वजह से बहुत टाइम तक टिका रहता है और बहुत अच्छा होता है प्राइमर लगाना। इससे फाउंडेशन जो है बहुत अच्छे तरीके से फेस पर लगता है। प्राइमर लगाने के बाद मैं लगाऊंगी अभी सीधा फाउंडेशन। तो फाउंडेशन को अच्छे से अपने स्किन पर अप्लाई करना ज़रूरी होता है, क्योंकि स्मोकी ब्लैक आई करने के लिए हमारा जो फेस जो ग्लो है वो ज़्यादा आना चाहिए। तो उस हिसाब से हमें फेस का मेकअप करना होता है। वो फाउंडेशन अच्छे से अप्लाई कर लिया मैंने पूरे फेस पर। अभी मैं यूज़ कर रही हूँ कंसीलर। कंसीलर को जहाँ जहाँ ज़रूरत है फेस पर वहाँ वहाँ ही लगाना होता है। तो ज़्यादातर ये टी जोन में ही ज़रूरत पड़ती है या फिर आईज़ के ऊपर नीचे ज़रूरत पड़ती है कंसीलर की, क्योंकि यहाँ पर हमारी स्किन जो है वो थोड़ी सी डार्क होती है। तो इसे लगाने के बाद हमारा स्किन का टोन जो है वो एक जैसा हो जाता है। और अच्छे से मैंने जो है कंसीलर यूज़ कर लिया। अब मैं अपने आईब्रोज़ बनाऊँगी, आईब्रो पेंसिल के साथ ही मैं अपने आईब्रो बना लूँगी फटाफट से। दोनों आईब्रो मैंने बना ली हैं अच्छे से। और अभी जो है वो हमारा आईज़ का मेकअप जो है वो स्टार्ट होगा। और सबसे पहले मैं लूँगी डार्क ऑरेंज और लाइट पीच कलर का शेड। दोनों को मिक्स करके मैं सबसे पहले उनको अपने आईज़ के ऊपर लेंगी और अच्छे से ही उनको ब्लेंड करूँगी। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से इनको उन दोनों कलर को ब्लेंड करना है मुझे। आप चाहो तो कोई और डार्क कलर भी ले सकते हो, लेकिन मैंने यही चूज़ किया। यूज़ करने के बाद मैं जो है वो काजल लगा रही हूँ आईज़ के ऊपर। ये ब्रश काजल है वो मैं यूज़ कर रही हूँ अपनी आँखों के ऊपर। और इसी काजल को हम जो है वो ब्रश की सहायता से ब्लेंड करेंगे अपने आईज़ को ब्लैक आई स्मोकी आई लुक देने के लिए। ये काजल को ही हम जो है वो ब्रश से फैला लेंगे ऊपर तक। वो बिल्कुल धीरे धीरे वो फैलाना है। ये देखिए ऐसे मैंने धीरे 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 करके ना सारा जो है वो अपनी आईज़ के ऊपर तक फैला लिया है। और उसी काजल को थोड़ा थोड़ा मैं उसी ब्रश से जो है वे अपने काजल की लाइन पर भी लगा लूँगी थोड़ा थोड़ा। काजल मैं नहीं लगाऊँगी आज, क्योंकि वैसे ही हमारी जो मेकअप है वो बहुत डार्क है। और यहाँ पर मैंने ले लिया है ब्लैक ग्लिटर, थोड़ा सा पैलेट में ही था। ये थोड़ा सा कम शाइनी है तो मुझे थोड़ा सा कम ही शाइनी लेना था, और आपका जो मेकअप है वो फैले नहीं, बस यही ध्यान रखना है। बाकी मेकअप जो है वो करना इसका बहुत आसान होता है, लेकिन जो बिगनर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा बस ब्रश को सही से चलाना आना चाहिए। और बस यहाँ पर मैं अपना लिपस्टिक का शेड लगा लूँगी। मैंने यूज़ किया है यहाँ पर रेड कलर का लिपस्टिक। और यहाँ पर जो है वो मस्कारा लगाना मैं भूल गई थी, तो मैंने सोचा कि अभी लगा लेते हैं। और बस मैंने मस्कारा लगा लिया है। मेरे पास वो डुप्लीकेट पलके नहीं हैं और अभी मुझे वो लगानी भी नहीं आती हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि अगले व्लॉग में नेक्स्ट जो भी मैं मेकअप व्लॉग बनाऊँगी तो उसमें वो जो है वो पलके ज़रूर लगाऊँगी, क्योंकि मुझे पसंद है वो बहुत।
अपने मेकअप को कंप्लीट करने के लिए मैं यहाँ पर लगा रही हूँ थोड़ा थोड़ा ब्लश, क्योंकि ब्लश लगाने से जो है हमारा मेकअप जो है वो कंप्लीट हो जाता है और हमारा मेकअप जो है वो बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने बिल्कुल लाइट ही जो है वो ब्लश लगाया है, जो कि अच्छा भी लगे दिखने में और हमारा मेकअप जो है वो अच्छे से खिलकर आए, और आप देख ही सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है। और बस थोड़ा थोड़ा जो है वो अपनी फिंगर से ही मैं हाइलाइटर लगा लूँगी, नोज़ पर, फोरहेड पर और चिन पर लगा लूँगी, तो हमारा मेकअप जो है वो बहुत ग्लो करता है इससे। जस्ट इतना करने से ही आप देख सकते हैं कि मेकअप कितना अच्छा लगता है। बस अब मैं अपना हेयर स्टाइल जो है वो चेंज कर लूँगी, मेरे बाल जो हैं वो गीले ही थे, तो अभी कोई हेयर स्टाइल और बनेगा तो नहीं, क्योंकि अभी गीले हैं तो ऐसे ही बना लेती हूँ मैं हाथों से ही। आपको मेरा ये मेकअप ट्यूटोरियल कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, और जो मेरे वीडियो पर नए आए हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें वीडियो को, और जितना हो सके वो उतना शेयर कर दें। मेरी ऐसी ही आने वाली और वीडियोस को देखने के लिए पास वाले बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली मेरी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। बाय बाय।